सो ये गेम मुझे पड़ेगी लगभग 2000 रुपए की। एक दो महीने में ये मैं गेम खत्म कर दूंगा और गेम खत्म करने के बाद मैं इसे बेच दूंगा। उस पॉइंट पर इस गेम की रीसेल वैल्यू क्या होगी? वेल, रीसेल वैल्यू का तो इसका तब पता चलेगा जब मुझे परमिशन होगी इस गेम को बेचने की, जो कि अनफॉर्चुनेटली स्टीम मुझे नहीं देता। चलो मैं सिंगल गेम नहीं बेच सकता, मैं अकाउंट ही बेच दूंगा। वेल, उस चीज के साथ भी कुछ अपने इशू हैं। प्लेस्टेशन हमेशा अपने एक स्ट्रांग पॉइंट को सामने लेकर आता रहता है कि वहां पर आप जो भी गेम्स खरीदते हो वो आप सेकंड हैंड बेच सकते हो, या इवन सेकंड हैंड गेम्स खरीद भी सकते हो। आप अपने किसी फ्रेंड को गेम्स दे सकते हो, आप अपने किसी फ्रेंड से गेम्स बोरो कर सकते हो, और ये सारी फ्रीडम हमें पीसी गेम्स के मामले में नहीं मिलती। तो वो चाहे स्टीम का अकाउंट हो या एपिक गेम का अकाउंट हो या इवन ओरिजिन का ही अकाउंट क्यों ना हो, टर्म एंड कंडीशन के हिसाब से आप ना तो अकाउंट बेच सकते हो ना ही अकाउंट खरीद सकते हो। लेकिन क्वेश्चन तो वही रहता है ना कि भाई क्यों नहीं कर सकते? मैंने गेम खरीदी है यार, मैं आगे ही नहीं बेच सकता, ये क्या मतलब हुआ? खैर, इस चीज के पीछे सिर्फ एक रीजन नहीं है, इसके पीछे काफी रीजन है। सबसे पहला रीजन तो यही है कि स्कैम हो जाते हैं इन चीजों के चलते हुए। तो ये जितने भी प्लेटफॉर्म है ये डिजिटली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं गेम, मतलब इनकी कोई भी फिजिकल कॉपी नहीं होती। एक छोटी सी एग्जांपल है, अगर मैं कोई प्लेस्टेशन की गेम बेचने या खरीदने जा रहा हूं तो ये चीज फिजिकली होगी, वो इंसान मेरे सामने होगा जिसे मैं पैसे दूंगा या जिसे मैं कोई गेम या कोई हार्डवेयर दूंगा, तो ऐसे में स्कैम नहीं होता, बिकॉज वो सारी चीजें फिजिकली हो रही होती हैं। अगर कुछ चीज गलत भी जाती है तो उसके भी सलूशन बहुत इजी निकल आते हैं। ऑनलाइन जितनी भी चीजें होती हैं ना, उनके साथ स्कैम करना बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। सामने वाले ने कह दिया कि यार हाँ मैं अपना अकाउंट भेज रहा हूँ, तुम उधर से पैसे भेज दो, तुमने पैसे भेज दिए, वो बाद में आपको ब्लॉक कर देता है और कहानी खत्म। कुछ स्कैम्स नेक्स्ट लेवल के होते हैं, वहां पर आपको अकाउंट भी मिल जाता है, सामने वाले को पैसे भी मिल जाते हैं, लेकिन जो अकाउंट होता है उस पे या तो कोई बैन लगा हुआ होता है या फिर वो किसी हिसाब से लॉक्ड अकाउंट होता है, या उन अकाउंट्स में चोरी की कीज से गेम एक्टिवेट करी होती हैं। कुछ अकाउंट आपको रिमोट प्ले ऑन करके दे दिए जाते हैं, मतलब वहां पर आप एक्चुअल में गेम डाउनलोड भी नहीं करते, वहां पर आप जस्ट उस गेम को स्ट्रीम कर रहे हो, जो कि किसी और के पीसी से स्ट्रीम आपके पीसी में होती है, और ऐसे अकाउंट आपको बेच दिए जाते हैं। और ऑब्वियसली बात है कि इन चीजों को अपने प्लेटफॉर्म से दूर रखने के लिए स्टीम ने ये डिसाइड किया कि भाई हम ऐसी चीजें अलाउ ही नहीं करते, और अगर कोई यूजर खुद से ये चीजें करता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर है। दूसरा सबसे बड़ा रीजन है प्रॉफिट। देखो, स्टीम एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है और डिजिटल चीजों की लाइफ बहुत ज्यादा होती है। अगर इस चीज को आप प्लेस्टेशन की किसी सेकंड हैंड कॉपी से कंपेयर करो तो एक टाइम के बाद प्लेस्टेशन की सेकंड हैंड कॉपी वियर आउट हो जाएगी। वहीं अगर आप स्टीम या एपिक का अकाउंट कोई लेते हो तो उनकी गेम्स को आप जितना मर्जी यूज करो वो कभी खराब नहीं होंगे, तो ऐसे में उनका लाइफ स्पैन भी बहुत हो गया, और ऐसे में अगर वो सेकंड हैंड बिकने लग गए तो कोई भी नई गेम परचेज नहीं करेगा। सोनी को हम ऑलरेडी पैसे काफी ज्यादा दे देते हैं जब हम उनका कंसोल खरीदते हैं, लेकिन किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म को हम अलग से कोई पैसे नहीं देते, हम डायरेक्टली वहां से गेम खरीदते हैं और वहां की कोई कंडीशन भी नहीं होती। प्लेस्टेशन की गेम्स अगर खेलना चाहते हो तो दूसरे बंदे के पास भी प्लेस्टेशन होना चाहिए। तो अगर किसी भी कंसोल की बात करें तो वहां पर मल्टीपल फैक्टर होते हैं प्रॉफिट के, लेकिन किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर सिर्फ सेल्स नंबर ही होते हैं प्रॉफिट के, और इसी सेल्स नंबर को मेंटेन रखने के लिए, इसी प्रॉफिट को मेंटेन रखने के लिए ये जितनी भी ट्रेडिंग है वो बंद करके ही रखी जाती है। बिजनेस थोड़ी डाउन जाने देना है। हाँ, ये दो बहुत बड़े रीजन है, एक तो स्कैम हो गया और दूसरा हो गया प्रॉफिट, जिसकी वजह से ये जो भी ट्रेडिंग है वो इन किसी भी प्लेटफॉर्म की आप कर नहीं सकते। आप अकाउंट ना तो बेच सकते हो ना ही आप अकाउंट खरीद सकते हो। लेकिन इसके अलावा एक और रीजन भी है, और ये रीजन खुद में ही काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। किसी भी चीज को सेल करने के लिए उसकी ओनरशिप हमारे पास होनी चाहिए, चाहे फिर वो कोई गाड़ी हो या कोई मोबाइल फोन। ओनरशिप ये डिसाइड करती है कि एक्चुअल में वो चीज आपको ही बिलोंग करती है, लेकिन किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म के केस में ऐसा नहीं होता। यहाँ पर आप एक्चुअल में ओनर नहीं हो किसी भी गेम के, और ये चीज मैं नहीं कह रहा, ये स्टीम का सब्सक्राइबर एग्रीमेंट कह रहा है, जो हम शायद बिना पढ़े एक्सेप्ट कर लेते हैं। यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से लिखा हुआ है, द कॉन्टेंट एंड द सर्विस आर लाइसेंस। जितना भी कॉन्टेंट स्टीम के ऊपर अवेलेबल है उसका जस्ट आपको एक लाइसेंस मिलता है कि ये पर्टिकुलर चीज आप खेल सकते हो, वो आपको बेची नहीं जाती। योर लाइसेंस कन्फर्स नो टाइटल और ओनरशिप इन द कंटेंट एंड द सर्विस। आपको जो लाइसेंस भी दिया जाता है वो किसी भी तरह की किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर कोई ओनरशिप नहीं दिखाता, और ये लाइसेंस आपको जस्ट एक परमिशन देता है कि वो पर्टिकुलर टाइटल आप खेल सकते हो। मतलब जो इतना खुश होकर मैं भी कहता रहता हूँ कि देखो मेरे पास इतनी गेम्स हैं, वो एक्चुअल में
मेरी गेम्स है ही नहीं। और इन्हीं रीजन की वजह से कोई भी डिजिटल गेम डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म ये अलाउ नहीं करता कि आप किसी को अकाउंट बेचो या किसी से अकाउंट खरीदो। खैर, स्टीम की परमिशन हो या ना हो, अकाउंट पहले भी बिक रहे थे, अकाउंट आज भी बिक रहे हैं और मे बी इन फ्यूचर भी अकाउंट ऐसे ही बिकते रहेंगे। और इस सारी ट्रेडिंग में अगर कोई सबसे बड़ी चीज हेल्प कर रही है तो वो है डिस्कॉर्ड। बेसिकली सबको पता है कि गेमिंग कम्युनिटी ज्यादातर डिस्कॉर्ड पर है और इसी वजह से ज्यादातर लोग डिस्कॉर्ड ही यूज करते हैं, इवन स्कैम करने वाले भी। और मुझे नहीं लगता कि किसी का भी डिस्कॉर्ड इतना ज्यादा सेफ है कि जहां पर वो आपको 100% गारंटी दे सकता है कि भाई आप अगर मेरा डिस्कॉर्ड ज्वाइन करते हो तो वहां पर आपके साथ स्कैम नहीं होगा। बिकॉज उस बंदे को खुद नहीं पता होता कि कौन तीसरा बंदा आता है उसके डिस्कॉर्ड सर्वर पर और वो स्कैम करके चला जाता है। मैंने भी कोशिश करी थी अपने डिस्कॉर्ड को बहुत ज्यादा सिक्योर एंड बहुत ज्यादा सेफ रखने की और कुछ केस मेरे भी सामने आए हैं जहां पर कुछ लोगों के साथ स्कैम भी हुए हैं। लिंक वाली बात तो मैंने आपको बताई थी, उसके ऊपर डेडिकेटेड एक वीडियो बनी हुई है, सो मेक श्योर वो भी जाकर देख लेना, आपको पता चल जाएगा कि डिस्कॉर्ड के थ्रू आपका अकाउंट स्टीम का कैसे हैक हो जाता है। और इसी वजह से ज्यादातर डिस्कॉर्ड सर्वर पर एक रूल जरूर मेंशन किया जाता है कि हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर पर ट्रेडिंग अलाउड नहीं है, हम हमारे सर्वर पर स्टीम के अकाउंट बेचे या खरीदे नहीं जाते, बिकॉज ऑब्वियसली बात है वहां पर स्कैम होने का खतरा उतना ज्यादा बढ़ जाता है। और यही क्वेश्चन मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर पर काफी बंदों ने पूछा था, सो इसी वजह से आज वाली वीडियो मैंने बनाई है, सो दैट कि लोगों को पता चल जाए कि क्या रीजन है कि स्टीम नहीं अलाउ करता और क्या रीजन है कि डिस्कॉर्ड सर्वर पर ऐसी चीजें अलाउ नहीं करी जाती। आप लोगों का इस सारी चीज के बारे में क्या सोचना है, क्या आप इस चीज को सही मानते हो या इस चीज को गलत मानते हो, मेक श्योर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर लेना। मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, पीस आउट।